नमस्कार दर्शकों, लोग दक्षिण मुख वाले प्लाट या मकान खरीदने से बचते हैं। लोगों की मान्यता है कि दक्षिण मुख वाले मकान में रहने से जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। जी हां दर्शकों, दक्षिण दिशा वास्तु दोष मुख्य चार दिशाओं में से एक मानी जाती है। ये यम देवता और पितरों की दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में दक्षिण दिशा मंगल से संबंध रखती है। इस दिशा को सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता। लोग दक्षिण दिशा वाले प्लॉट या मकान खरीदने से बचते हैं। लोगों की मान्यता है कि दक्षिण मुख वाले मकान में रहने से जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। दक्षिण दिशा क्या अशुभ दिशा है? दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती है। जी हाँ दर्शकों, ये दिशा शक्ति, साहस और अपार धन देती है। मंत्र शक्ति और साधना के लिए यह दिशा विशेष फलदायी होती है। घर के मुखिया को घर के दक्षिण दिशा में रहना विशेष शुभ माना जाता है। इस दिशा के तीन हिस्से हैं, दक्षिण, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पूर्व दिशा का महत्व क्या है? यह दिशा अग्नि की मुख्य दिशा मानी जाती है। इसको अग्नि दिशा कहा जाता है। यहाँ रसोई घर या अग्नि के उपकरण रखना अच्छा होता है। इस स्थान पर बच्चों के कमरे बनाए जा सकते हैं। सामान्यतः यहाँ पर दंपतियों को नहीं रहना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा का क्या महत्व है? जी हाँ दर्शकों, ये पृथ्वी तत्व की मुख्य दिशा है। इसको नैऋत्य दिशा कहा जाता है। ये धन का सबसे बड़ी दिशा मानी जाती है। इस स्थान पर घर के मुखिया का स्थान अच्छा होता है। इस स्थान पर तिजोरी या धन की अलमीरा रखना बेहद शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा का लाभ कैसे उठाएं? जी हाँ दर्शकों, दक्षिण दिशा को हमेशा भारी रखें। इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखें। धन और कीमती सामान इसी दिशा में रखें। अगर कुंडली में अग्नि और मंगल ठीक हैं तो इस दिशा का मकान ले सकते हैं। अगर दक्षिणमुखी फ्लैट है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर दक्षिणमुखी मकान है तो घर में हनुमान जी की पूजा करें। घर का रंग नीला या सफ़ेद रखें। जी हाँ दर्शकों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।